हाँ साइड वाली तो कर सकते हैं, ब्रेक ब्रेक वर्क कर सकते हैं। नजर नहीं आता यार, देखो नजर आना चाहिए काम हो रहा है, बंदे पड़ा हुआ है, जितना जल्दी कंप्लीट हो। ये ठीक रहेगा जो फ्लैट को सुपर लगे फिर यहाँ जो परसों तक मतलब बनाना का जैसा आपको बताया था, जो पिछली बार बारिश की वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ था, अब ये वापस फुल फ्लेज्ड फुल स्विंग पे चल रहा है। और हमारा जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जहाँ पे रोड के काम थे, मैग्नमाइजेशन के काम थे, वो भी शुरू हो गए, बिल्कुल जो टाइम लाइन दिया गया था उसी के अंदर शुरू हो गए। और अब जो बाकी हमारे सिविल वर्क्स है वो भी, उनको भी पेसअप कर रहे हैं हम, और हर एक काम पे जाके रिव्यू देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। जैसे ये बलिदान स्तंभ का काम है, हमारा ये मई एंडिंग तक होना था, बट बारिशों की वजह से थोड़ा डिले हुआ। तो अगर 10-1 दिन भी आगे जाता है तो हमें ये देखना है कि पूरे टाइमलाइन के हिसाब से काम हो जाए। तो जो उसमें अलग अलग काम है और बहुत बारीकी का काम है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इसी के साथ साथ जहांगीर चौक है और हमारे जो बाकी इलाके हैं, बाकी जो काम है, जैसे कि डीजी रोड का काम चल रहा है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हमारा पूरा रोड, वहाँ पे मैग्नमाइजेशन भी हमें शुरू किया। करण नगर का काम है, SMHS हॉस्पिटल के आसपास का काम है, तो वो सारे काम फुल स्विंग पे हैं। आसारों का दौरा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत है उसको दूर करें। सर इसमें कोई देखिए डस्ट को दूर करने के लिए हमारे इनफैक्ट जो ऑनगोइंग काम भी थे जहाँ पे, वहाँ पे भी हमने ये स्प्रिंकलर्स की जरूरत पड़ी जहाँ पे वो किया है, या सबसे पहले गुंजाइश बनाई कि मैग्नमाइजेशन कर सके। आप देखेंगे जहांगीर चौक में कर्ब का काम चल रहा है, बट हमने रोड पहले थ्रू की। बहुत ही कम जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि सारे काम अमूमन पहले कंप्लीट होते हैं फिर मैग्नमाइजेशन होती है, बट हमने बोला नहीं, पहले आप मैग्नमाइजेशन के लिए जगह बनाइए, उसी तरह से डिजाइन करिए, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, उसी तरह से इन्होंने डिजाइन किया है। तो कोशिश हमारी भी यही है कि ये जो सीजन है, अब आने वाला जो टाइम है, टूरिस्ट सीजन भी बहुत आप देख सकते हैं, टूरिस्ट रश भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो हमारे की फोकस एरियाज है यहाँ पे हम पहले का आप कंप्लीट कर ले, और जो हमारा टाइमलाइन रहा है जून का, हम उसको तो मीट करने की पूरी कोशिश कर ही रहे, हो ही जाएगा। हालांकि 20 दिन हमारे लगभग जो बैड वेदर था उसमें चले गए, बट उसको कोप अप करेंगे, हमारी कोशिश है कि हम पूरा काम करें। बलिदान एक और एयरमार्क स्ट्रक्चर बनने वाला है श्रीनगर के लिए, और आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन भी जो है वो भी एक बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंट लोकेशन है, लाल चौक के पास भी है, और टूरिस्ट है या बाकी लोग जो भी यहाँ पे आना चाहे वो आ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो एरिया है, उसको पार्क का एरिया जो है जो साथ में, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसका लैंडस्केप इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा पोर्शन हमारा बलिदान स्तंभ का प्रॉपर रहेगा, और बाकी पोर्शन हमारा जो है बाकी का जो पार्क है, बाकी का एरिया वो रहेगा, वो ब्यूटीफाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि इस पार्क में हमें ड्रेनेज से शुरू किया है कि यहाँ पे सबसे पहले ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाया ताकि यहाँ पानी वानी जमा ना हो, जो कि इश्यूज रहते हैं बड़े सारे एरिया में। और उसके बाद इसका अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेके बाकी फैसिलिटीज अंडरग्राउंड करके उसके ऊपर फिर ये बेस वर्क करने के बाद ये काम हो रहा है। वो भले ही सर्दियों का टाइम रहा हो, तब भी इस तरह का काम करना मुश्किल रहता है, ड्रेनेज का और बाकी चीज़ों का, और बारिशों में भी दिक्कत रहती है, फिर भी ये जो टीम है ये लगी हुई है, काम कर रही है, और हमें उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन ये निकल के सामने आए।